लाडली बहनों 10 तारीख आने वाली है। चर्चा में पूर्व सीएम शिवराज की एक पोस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों चिंता मत करना, 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसा आएगा। बहन भाई का रिश्ता विश्वास का होता है, इसकी डोर कभी टूटेगी नहीं। दरअसल मोहन यादव के सीएम पद की शपथ के बाद यह महिलाओं की पहली किश्त है पैच, इसलिए इस बात पर संदेह था कि आखिर यह किश्त अपने समय पर खाते में पहुंचेगी या नहीं। लाडली बहन योजना की किस्त को लेकर शिवराज सिंह ने पोस्ट किया, बहन भाई के विश्वास के रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं। शिवराज सिंह चौहान, 10 तारीख को लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में जमा होगी। लाडली बहन योजना की किस्त 10 जनवरी को महिलाओं के खाते में जमा होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पोस्ट को शेयर किया है। इस पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश की महिलाओं से कहा है कि महीने की 10 तारीख को खुशियां आने वाली हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महीने की 10 तारीख को प्रदेश की महिलाओं के खाते में ₹1,000 जाने का प्रावधान है। कई अटकलों के बाद यह साफ हुआ है कि योजना के तहत महिलाओं को इस महीने अपने खाते में पैसे मिल जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर महिलाओं की तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, लाडली बहनों 10 तारीख आने वाली है, एक बार फिर आपके खाते में खुशियों की किस्त जमा होगी। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के भेरुंदा पहुंचे थे। वहां उन्होंने रोड स्वीपिंग और स्काई लिफ्ट का लोकार्पण किया और लाडली बहनों को संबोधित किया था। वहां उन्होंने भरोसा दिलाया था कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने का अभियान हर हाल में चलाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहन चिंता मत करना, 10 तारीख को लाडली बहन के खाते में पैसा आएगा। बहन भाई का रिश्ता विश्वास का होता है, इसकी डोर कभी भी नहीं टूटेगी। उन्होंने लाडली बहनों के सर पर हाथ रखा और गले लगाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।